Hello everyone, welcome to our initiative of anthropology. We have completed unit 3, 4 and 5.1 particularly. In this video, we are going to start with unit 5.2, which is linguistic and religious minority and their social, political and economic status. Now this topic is very important because in year UPSC 2022, the question have been come on linguistic minority and the constitutional protection which have been provided to them. As far as India is concerned, minority has been mentioned in the constitution, but it has not been defined by constitution. This is something that you should know. Aapko pata hona chahiye. Anthropology ka weightage itna zyada hai. ये इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अभी ये एमपीएससी महाराष्ट्र में जो होती है स्टेट पीसीएस उसमें भी आ रहा है, यूपीएससी में तो ऑलरेडी है. ठीक है, इसमें हम बेसिकली एक माइनॉरिटी अगर क्वेश्चन आता है तो आई वांट यू टू मेक दिस डायग्राम. ये डायग्राम आप बनाइए तो ये एक पॉजिटिव मैसेज सेंड करेगा. मेक यू नो हेक्सागन, उसके बाद माइनॉरिटीज मेंशन कर दीजिए, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, Muslim, Buddhist and Sikh. So these are basically some of the minorities which are in India, particularly religious minority. Linguistic minority ka koi official definition nahi hai, but you can understand ki other than the language which has been prescribed by the state becomes the linguistic minority. Agar koi for example Gujarat hai, to wahan pe jo hai Gujarati is the, you know, the state language. So, वहाँ पे भोजपुरी इफ दैट इज समथिंग है या कोई ओरिया लैंग्वेज होगी तो दैट बिकम्स माइनॉरिटी. अगर मान लीजिए कि आप तमिलनाडु में रह रहे हो देन हिंदी बिकम्स माइनॉरिटी. सो दिस इज समथिंग लैंग्वेज फ्रंट पे. यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज में दीज आर दी रिलीजियस माइनॉरिटी. नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी एक्ट 1992 और 3 आई थिंक, इसमें जो है ये मेंशन किए गए हैं. रीसेंट इसमें एडिशन जैन्स का था जो कि रिसेंटली 2013-14 के पास में माइनॉरिटी स्टेटस जो है उनको दिया गया. यूपीएससी 2022 के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जैसे मैंने बताया है इस पर क्वेश्चन आया था. सो इट वाज समथिंग वेरी इजी क्वेश्चन, बट ऐसे हो जाता है कि जब आप पेपर में जाते हो, मेरे साथ यही हुआ कि हम पेपर में जब मैं लिखने बैठा सो ऑल माई माइंड वॉज एबल टू थिंक वॉज रिलीजियस माइनॉरिटी. सो दिस इज समथिंग वो एग्ज़ाम प्रेशर में हो जाता है. तो आपके पास क्लियर कट जो है मार्किंग्स, डेफिनेशंस, डेटा, फैक्ट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए. सो वी स्टार्ट विद अ डेफिनेशन. जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी वर्ड है ये यूज़ तो किया है. इट हैज़ यूज द वर्ड माइनॉरिटी, पर्टिकुलरली आर्टिकल 329, 30, 250A, 350B. इन आर्टिकल्स में मेंशन तो किया है बट इसको डिफाइन नहीं किया. इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वांट टू रिमेंबर. अगर कोई भी डेफिनेशन आती है तो आप इस चीज़ से जो है बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर हम कॉमन लैंग्वेज में माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, अगर इफ यू थिंकिंग कि वी नीड टू डिफाइन व्हाट माइनॉरिटी इज, सो इसको सिंपल एकदम लेमन टर्म में ऐसे समझिए कि लेस देन हाफ. ठीक है, लेस देन हाफ बिकम्स माइनॉरिटी. अगर 51% कोई पॉपुलेशन है, 49% कोई पॉपुलेशन है तो दिस पॉपुलेशन विल बिकम माइनॉरिटी. सो इन सिंपल टर्म दिस इज इट. अगर मान लीजिए UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इन्होंने कहा था कि सेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, एक लोगों का एक समूह विथ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज. हम यहाँ पे लिंग्विस्टिक पर्टिकुलरली माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो लिंग्विस्ट सेक्शन ऑफ पीपल विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर विच इज़ नॉन डोमिनेंट. यूजुअली क्या होता है कि जो गुजरातीज इन गुजरात विल बी डोमिनेंट, मराठी इन महाराष्ट्र विल बी डोमिनेंट. सो दीज रिलीजियस माइनॉरिटी आर नॉन डोमिनेंट. ये चाहते हैं कि अपना जो कल्चर है इसको प्रिजर्व करें, स्टेबल रहे. एथनिक, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन जो है वो डिफरेंट होंगे रेस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन से. अगर मान लीजिए कि ये स्टेट है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, ये लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी हो जाएगी. अगर कोई भोजपुरी आ रही है
रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएगी, ठीक है, बिहारी, हिंदी, तो ये दिस बिकम्स माइनॉरिटी इन महाराष्ट्र. सिमिलर थिंग गोज़ विथ यूपी में, वहाँ पे मराठी माइनॉरिटी हो जाएगी. सो दैट इज़ वन थिंग. उसके बाद माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, इस बेसिक से छोटे से टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं. जैसे मैंने बताया था नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटी, ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992, उसमें इन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज़ आर दोज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. एकदम सिंपल है, आप UNHRC की डेफिनेशन है, आप लिख दीजिए कि माइनॉरिटी को उन्होंने डिफाइन किया कि ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर, ठीक है, विच आर नॉन डोमिनेंट. आप कैरेक्टरिस्टिक्स उसके लिख सकते हैं. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट ने माइनॉरिटी को ऐसे डिफाइन किया है कि वो सारी कम्युनिटीज़ को माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेंशन किया गया है. तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी आती है इसमें, इसमें आता है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन्स. तो ये जो है बेसिकली माइनॉरिटीज़ में आते हैं. अब जो राइट्स है, बेसिकली डिमांड क्या होती है माइनॉरिटीज़ की, सो दीज आर सम राइट्स विच आर बीइंग प्रोटेक्टेड एज पर एज दी इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस इज़ ऑल्सो कंसर्न. तो सबसे पहले चीज़ होती है इक्वालिटी, और ये सेकेंड चीज़ होती है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज फार एज इंडिया इज कंसर्न. इक्वालिटी इज समथिंग विच इज प्रीच्ड, उसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेशन है इसको प्रोहिबिट किया जाएगा. उसके बाद रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे हमने जस्ट एक नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन बोला था, यहाँ पे हम रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हैं कि इसको भी प्रोहिबिट करना है. और उसके बाद लास्ट में प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी और कल्चर. नाउ दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. ये अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है सो यू कैन स्टार्ट विद इट. बेसिक डेफिनेशंस लिखिए UNHRC की, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर दिया. उसके बाद आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट में आ गए, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है वो आपने लिख दी. सो दैट इज़ गुड. नाउ हम सेकेंड टॉपिक पे मूव करते हैं, वो है रिलीजियस माइनॉरिटी. नाउ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द रीज़न इज़ दैट कि रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो 2023, 2024 और 2025, आई एम गिविंग यू इन रिटन, ठीक है, यहाँ पे ये सवाल आएगा ही आएगा इन तीन साल में. बिकॉज यूनिट, आपको पता हो, यूनिट 3 से सवाल आते हैं, फिर यूनिट 4 से सवाल आते हैं, यूनिट 5 से सवाल आते हैं. 3 में 1, 2, 3 है, इसमें 1, 2 है, और इसमें 1, 2, 3 है, ठीक है, मतलब सब पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. तो अभी जो है यूनिट 1 से सवाल आ चुका है और यूनिट 2 का ये सवाल आया, तो अभी नेक्स्ट ईयर चांसेस है कि यूनिट 3 को रिपीट कर दे. फिर जब रिटर्न आएगा तो यहाँ पे यूनिट 2 का रिलीजियस माइनॉरिटी बचा है. तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो रिलीजियस माइनॉरिटी इंडिया में कौन कौन सी है, तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज, ठीक है, दीज आर द रिलीजियस माइनॉरिटी. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो दिया गया है रिलीजियस माइनॉरिटी को, अब वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि लास्ट मतलब दिस ईयर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी. लास्ट टाइम लिंग्विस्टिक पूछा था. दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए. सो आर्टिकल 15 और 16, ठीक है, ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है कोई डिस्क्रिमिनेशन करने पर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सारी जो ग्राउंड्स है इसको रिलीजन जो स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कर सकता है इस ग्राउंड्स पे. उसके बाद यही आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज अगर 4 और क्लॉज 4 हम देखते तो ये आर्टिकल जो है वो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. फॉर एग्जांपल जॉब्स में रिजर्वेशन, वल्नरेबल सेक्शन सच एज वेमेन, SC ST, इन कम्युनिटीज को भी बेसिकली प्रोटेक्शन मिलता है. सो दिस इज़ अबाउट इट. उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में भी जो इक्वालिटी प्रीच करनी है, दैट इज़ समथिंग इट. उसके बाद आता है DPSP. DPSP जो है आर्टिकल 46 में स्टेट को कहता है कि आप वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट जो है इनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है. तो दिस इज़ द अभी आपने सुना होगा SC ST कन्वर्ट्स होते हैं ना, ये बेसिकली मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो फिर ये जो कन्वर्जन होगा, इनको इक्वालिटी देने का जो काम है, इनको प्रोटेक्ट करने का जो काम है, वो स्टेट का होता है. सो दिस इज़ द DPSP. नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 340. इसमें प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया जो होता है जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द बैकवर्ड कास्ट्स, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलरली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उनका निर्धारित किया जाता है। लास्ट में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में आर्टिकल 25 से लेके 28 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री टू प्रोपेगेट एंड स्प्रेड देयर रिलीजन। उसके बाद 26 आर्टिकल कहता है कि रिलीजियस अफेयर्स को आप हैंडल कर सकते हैं, फ्रीडम है उसमें। 27 में कि कोई भी रिलीजन आपको टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं करेगा। फीस वगैरह एग्जेम्प्टेड है कि आप अगर कोई जगह पे जा रहे हो तो वहाँ पे फीस जो है चार्ज हो सकती है जो कि उसके मेंटेनेंस पे यूज़ होगी। उसके बाद 28 पे है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं दी जाएगी। अगर कोई ग्रांट इन नीड है तो वहाँ वॉलेंटरी होगी, अगर कोई स्टेट फंडेड है तो वहाँ नहीं होगी, अगर कोई प्राइवेटली फंडेड है तो वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हम सोशो इकोनॉमिक डिटेल्स, सोशल इकोनॉमिक सिनारियोज देखते हैं, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक सिनारियोज, तो अगर हम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है। तो आपको पता होगा कि अभी 78% मोस्टली हिंदूज़ है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग होता है, या फिर इसको 82% कर लीजिए, 82% जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है। तो 18% जो है वो माइनॉरिटीज़ में आ जाती है। उसमें से 13% जो है मुस्लिम है, फिर सेकंड है क्रिश्चियन, फिर है सिख, फिर है बुद्धिस्ट और फिर पारसी, ठीक है। इधर बीच में द थिंग इज अबाउट दिस इज़ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन अ सीक्वेंस। और मोस्टली यूनिट 3.4 का, उसके बाद 8.12 में ये जो क्वेश्चन है हर साल जंप होगा कि इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदूइज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑन ट्राइबल, और यही चीज़ों का इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो एक बार इस साइड से सवाल आता है, एक बार इस साइड से सवाल आता है। तो याद रखना है हमको कि अगर वहाँ पे मुस्लिम का सवाल आ गया तो उसको काट दीजिए। अब इस साइड में देखिए, मतलब दो यूनिट है, 3 में और 8 में। तो अगर 8 में मुस्लिम्स का इम्पैक्ट ट्राइब पे आ गया तो देखना कि उसको कट कर दो, नेक्स्ट ईयर तो वो सवाल नहीं आएगा, क्योंकि सवाल की कोई कमी नहीं है एंथ्रोपोलॉजी में, बहुत सारे सवाल है। तो आप ऐसे ही जो है ना 40 टॉपिक्स स्किप कर सकते हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज कि यूपीएससी इज डेफिनेटली गेटिंग वेरी डिफिकल्ट नाउअडेज। तो यही चीज़ है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें, अगर आपको 60-70 सवाल करने में आप भी जानते हो कि पूरा दिन निकल ही जाएगा, तो एक दिन पूरा बच जाता है। और मेंस में यही चाहिए आपको कि आप कैसे जो है डेज बचाए, ठीक। कॉन्फिडेंस का इशू आता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो तो आपको उसी एक होगा कि यू हैव टू प्ले अ गैम्बल, दैट इज़ समथिंग विच हैज़ वर्कड फॉर मी एंड आई रिकमेंड यू टू प्ले अ गैम्बल, जिसमें आप एक एक दिन जो है आप बचा सकते हो, क्योंकि सिर्फ 5 दिन होते हैं एंथ्रो रिवाइज करने के लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड भी अगर रिविजन करना है तो 7 दिन लगता ही है। तो ये जो हम एक दिन बोरो करते हैं ये यही से आता है कि आप एलिमिनेशन करेंगे कम से कम 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 क्वेश्चंस आप एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद मुस्लिम, ये कुछ जैसे मैंने बताया था सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन है ये बड़ी है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, दोनों एरियाज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी है। सेक्स रेशो जो है इंडिया में क्रिश्चियंस का वो हाईएस्ट है, 1009 फीमेल है 1000 मेल के अगेंस्ट। उसके बाद जैन्स जो है मोस्ट एल्डरली पॉपुलेशन जो है अराउंड 9% ये जैन में है, और उसके बाद 6 में मोस्ट एल्डरली पॉपुलेशन है। उसके बाद अर्बनाइजेशन, अगर अर्बनाइजेशन देखें तो मुस्लिम्स जो है वो मोर अर्बन है, मतलब ज़्यादा अर्बनाइज है देन हिंदू एंड सिख, इन दो कम्युनिटीज से मुस्लिम्स ज़्यादा अर्बनाइज है। इट डजेंट मीन इन अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटेटिव, इट मीन्स कि द रेसिडेंस इज मोस्टली इन अ अर्बन एरिया। उसके बाद जैन है जो मोस्ट अर्बनाइज है, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू कैन अग्री। उसके बाद अगर वुमेन के बारे में बात करते हैं तो अगर मैरिज बिफोर 16, मतलब हम चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड मैरिज हाईएस्ट जो है वो है मुस्लिम्स में जो है 43%। उसके बाद सेकंड नंबर है बुद्धिस्ट में 41%, फिर आता है हिंदुइज्म में 37% और सबसे लीस्ट है जैन में। जैन में एडुकेशन लेवल जो है वो बहुत हाई है, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि चाइल्ड मैरिज जो है वहाँ पे लो है। उसके बाद मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट में चाइल्ड मैरिज जो है वो सबसे ज़्यादा है। और लिटरेसी गैप जो है वो क्रिश्चियंस और जैन में सबसे कम है, अराउंड 10 पॉइंट्स का ही जो है परसेंटेज का ही बस फ़र्क है अगर बेसिक हम देख ले तो।
उसके बाद लिटरेसी, लिटरेसी अगर पर्टिकुलरली फोकस करते हो तो जैन में हाईएस्ट है, 91% ऑफ द जैन आर लिटरेट। वहीं पे मुस्लिम्स में हम देखते हैं तो 59% आर लिटरेट, क्रिश्चियंस में 80% और बुद्धिस्ट में जो है 73%। नेशनल एवरेज अराउंड 73% का नेशनल एवरेज है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद अगर हम हेल्थ पे फोकस करते हैं तो इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी जो एक टॉपिक है, इन्फेंट मतलब एक नवजात शिशु, ठीक है, उसमें हाईएस्ट हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी है, ठीक है, पर्टिकुलरली SC ST कम्युनिटी में। और मुस्लिम्स में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो माइनॉरिटीज़ में हाईएस्ट है, ठीक है, मुस्लिम्स में चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है माइनॉरिटीज़ में हाईएस्ट है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम फोकस करते हैं तो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोफेशन है इसमें इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहले मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता था, बट राइट नाउ पीपल आर मूविंग टू सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन को थोड़ा सा बूस्ट मिला है, सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिला है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को, जिसमें सबसे ज़्यादा जो जॉब सिक्योर की है वो जैन कम्युनिटी ने की है, फॉलोड बाय क्रिश्चियंस एंड हिंदूज, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इस पूरी यूनिट का, वो है इशूज फेस्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है। मैं रिलीजियस माइनॉरिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल 2000 पकड़ लीजिए आप 23 से लेके 24 और 25 में UPSC का फेवरेट होगा एंड आएगा ही आएगा, सो यू रिमेंबर दिस। इसी के साथ लास्ट में हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ भी करेंगे, तो यू डोंट नीड टू वरी। तो सबसे पहले पारसी से स्टार्ट करते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो पारसीज़ में पॉपुलेशन जो है ना वो डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ये पॉइंट्स लिखिए आप। इसका मेन रीज़न है कि फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, स्पिंस्टर कहते हैं, स्पिंस्टरहुड जो है वो बढ़ गया है, मतलब विमेन जो है मोस्टली अभी वो मैरिज अवॉइड कर रही है, दे आर जस्ट यू नो ट्राइंग टू लिव देयर लाइफ, सो उसके कारण फर्टिलिटी लो हो गई है, फिर पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिक्लाइन हो गई। लो रिप्लेनिशमेंट रेट, मतलब वही कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, अगर मान लीजिए दिस इज ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा, ठीक है, इन्होंने इनका इनका एक मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, ये इनका बच्चा है, इस बच्चे ने फिर इधर शादी कर ली, फिर एक बच्चा हो गया, उसके बाद इसने शादी कर ली और इनका बच्चा हो गया और ये दोनों जो है ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है दो बच्चे तो मिनिमम करने चाहिए ना, तब जाके ये जो ये सिक्वेंस होगा वो स्टेबल रहेगा, दो चार और छः का, अदरवाइज ये दो गए, अब यहाँ पर एक ही बचा है तो ये पांच हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन में इट विल बिकम इवन लो। सो दिस इज समथिंग जो हो रहा है। उसके बाद एल्डरली वुमेन के इश्यूज, सिल्वर इकोनॉमी आप जानते हैं वो भी हो रहा है, और फैमिली सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। सिख जैसे रिलीजियस कम्युनिटी में इकोनॉमिक बूस्ट आया है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है, पर उसी के साथ जो सोशल इंडिकेटर्स है वहाँ पे बहुत सा फॉल मिला है, क्योंकि एक साइड पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई पर जो सोशल ग्रोथ होनी चाहिए थी वो उस पेस पे नहीं आई, तो वहाँ पे एक गैप बढ़ गया। तो ये बच्चा लड़का चाहिए तो फीटी साइड, मतलब जो पेट में ही बच्चा है उसको आप फीटस जो होता है उसको एबॉर्ट कर दे, तो वो ज़्यादा बढ़ गया। सेक्स रेशो जो है बहुत कम हो गया है, माइग्रेशन जो है सिख का वो ज़्यादा बढ़ गया है, एडुकेशन लेवल पर्टिकुलरली गर्ल्स में नीचे आ रहे हैं। सो दिस इज़ सम अलार्मिंग सिचुएशन एज फार एज दिस सिख कम्युनिटी इज कंसर्न। बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ पे अगर हम बात करते तो ये ओवर डिपेंडेंस हो गया एग्रीकल्चर पे और वेज पे। बुद्धिस्ट जो है मोस्टली SC ST कन्वर्ट्स होते हैं, तो इनके पास ऑब्वियसली जो है लैक ऑफ लैंड होती है, लैंड को जो एक्सेस है ये बहुत कम होता है, हेंस ये ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं जो भी बची हुई छोटी सी लैंड हो या वेजेस पे। लैंडलेसनेस इनमें बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, वेजेस भी बहुत कम हो गए और लैक ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। अब आपके पास ज़मीन ही नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको लोन कोई देगा नहीं, और लोन मिलेगा नहीं तो आप कोई मतलब जो भी आपका एंटरप्रेन्योरशिप होगी वो होगी नहीं, आप मोस्टली वेजेस पे डिपेंडेंट हो जाओगे, और अगर वेजेस पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो इट मीन्स कि यू नो वॉट इट मीन्स सिंपली, कि वेजेस तो कभी भी बंद शुरू हो जाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। फिर क्रिश्चियंस में कोई प्रॉब्लम है तो वो है आइसोलेशन, टेंशन, रिफ्ट और एग्रीकल्चर वर्सेस सर्विस, ये सारी चीज़ें जो है क्रिश्चियंस में, जैसे नागालैंड में मोस्टली आप देख सकते हो कि इंडिजिनस मतलब ये होती है कि एक नागा कम्युनिटी ओरिजिनल, उसका कन्वर्ट्स इनमें क्लैश हो जाएगी। सो ओरिजिनल एंड कन्वर्ट्स में क्लैशेस, रिलीजियस में यू नो कल्चर के साथ वो एक कल्चरल फैब्रिक के साथ टॉयल वगैरह हो रहा है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग इन क्वेश्चन।
मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है कि लिटरेसी रेट कम है, एजुकेशन लेवल कम है, इकोनॉमिक परस्यूट बहुत कम है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल वोकेशनल एजुकेशन ये भी बहुत कम है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर वेंचर ये भी बहुत कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नीचे गिर रही है, और आर्टिजन्स जो है बेसिकली वो भी अपना लाइवलीहुड जो है गिर रहे। नाउ दीज आर सम बेसिक जनरल प्रॉब्लम रिलीजियस कम्युनिटीज़ के साथ जो ऑल ओवर इंडिया होती है, ठीक है, लिंचिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद साइबर बुलिंग होती है, उसके बाद रिलीजियस वायलेंस हो रहा है, फेक न्यूज़ से कम्युनिटीज़ को ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इलिटरेसी के कारण फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, ऑर्थोडॉक्सी बढ़ रही है, और इलिटरेसी होने के कारण ये फेक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा टोल ले लेता है इंसान पे, और यही चीज़ रीज़न है फिर कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी, वो उनके यूथ होते हैं वो एक रॉन्ग पाथ पे निकल जाते हैं, और फिर उसके कारण जो है पूरी कम्युनिटी को शेम होना पड़ता है, उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन जो है मेजोरिटीली होता है। लास्ट टॉपिक अबाउट इन दिस यूनिट इज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को अगर हम देखते हैं तो कोई इंडिया में कोई नेशनल रिलीजन नहीं है, इंडिया जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान अगर देखते हैं तो वो कहते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश पाकिस्तान वगैरह, ठीक है, सो इस्लामिक इमिराइट, तो ऐसा कोई इंडिया का ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र, ठीक है, इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेक्युलर स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कोई नेशनल मेजोरिटी नहीं है, पर स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरीज में होती है। अगर मान लीजिए आप गुजरात में हैं तो गुजराती मेजोरिटी हो जाएगी, अगर वहाँ पे कोई हिंदी स्पीकर आ जाएगा तो माइनॉरिटी हो जाएगा, अगर वहाँ पे कोई तमिल आ जाएगा तो माइनॉरिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम्स है, फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि मुस्लिम्स जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी है, लक्षद्वीप में मेजोरिटी है, बाकी स्टेट्स में माइनॉरिटी है। वही अगर हम क्रिश्चियंस देखते हैं तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इन स्टेट में ये मेजोरिटी हो गए, बाकी स्टेट्स में माइनॉरिटी हो जाएंगे। ये रिलीजियस माइनॉरिटी रिलीजियस में इसका दे दिया, लिंग्विस्टिक का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने 1971 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को एक बेसिकली आर्टिकल जो 30 क्लॉज 1 है उसको बताया था कि सेपरेट, मतलब कैसे कि एक सेपरेट लैंग्वेज अदर देन द मेजोरिटी बिकम्स लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज की कोई सेपरेट स्क्रिप्ट हो, बट वो लैंग्वेज मेजॉरिटी स्पीकर लैंग्वेज से अलग होनी चाहिए। जैसे ये होता है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डाल सकते हो, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डालते समय लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का यही रोल होता है कि जो मेजॉरिटी नहीं है वो माइनॉरिटी है। ओके, अगर महाराष्ट्र में तो मराठी है, अगर मान लीजिए कि आप तमिल हैं और आप महाराष्ट्र में, तो आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डाल सकते हैं फॉर द तमिल चिल्ड्रन, तो उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन क्या है, ठीक है, आर्टिकल 29 और 30, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी बेसिकली आप कर सकते हैं, ठीक है, उसी टाइप पे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो ये दोनों इसमें जो है सेम है। आई एम मार्किंग इट सर कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को फंडामेंटल राइट है टू कंजर्व देयर लैंग्वेज। उसके बाद आर्टिकल 30 को ऐसे करिए कि ऑल माइनॉरिटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो, उनको राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। फिर आर्टिकल 350 ए और 350 बी, इसमें 350 ए में इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट एवरीवन नोज एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग को मेंशन किया। 350 बी में कहते हैं कि स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। फिर आर्टिकल 345, उसमें ऑफिशियल पर्पस के लिए एक लैंग्वेज होती है स्टेट की, जो स्टेट डे टू डे कंडक्शन ऑफ बिजनेस में जो है देता है। उसके बाद 347 में प्रेसिडेंट को ये पावर होता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट की होती है उसके अलावा भी कोई लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया जाए एक स्टेट में, सो ये पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है। उसके बाद 350 बी में जैसे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो रिपोर्ट करते हैं एनुअली प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को टेबल करते हैं। ये बात अलग है कि ये रिपोर्ट पे कोई ज़्यादा डिस्कशन वगैरह होता नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैपनिंग ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आप आइए कि स्टेटस क्या है इंडिया में, स्टेटस क्या है सोशियो इकोनॉमिक सिनारियो में अगर देखते हैं इनका, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस जो है इंडिया की वो मेंशन की गई है, ठीक है, 22 लैंग्वेज और 8th शेड्यूल, प्लीज़ इसको कन्फर्म कर लीजिए, 8th शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद 4 लैंग्वेज कैटेगरी है
इंडिया में अगर आप देखते हो तो एक होती है द्राविडियन जो कि 23% स्पीकर है, आर्यन बेसिकली इसको इंडो आर्यन कहते हैं ये 74% है, फिर है निषद जिसको हम ऑस्ट्रो एशियाटिक कहते हैं 1.6, और किरत मतलब सिनो तिब्बती 0.62%। तो ये एक बेसिक कैटेगराइजेशन है, फिर से एक बार लिख लीजिए, द्राविडियन, इंडो आर्यन, ठीक है, निषद एंड किरत। स्टेटस ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो स्टेट टू स्टेट चेंज होती है, रीजन टू रीजन चेंज होती है, फैमिली टू फैमिली चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ यूनिफॉर्म फिनोमेना कि अगर मराठी स्पीकर सिर्फ जो है तमिलनाडु, मतलब ऐसे नहीं है कि कोई अगर एक कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल एक तमिलियन है तो वो तमिल में तो मेजॉरिटी होगा ऑफकोर्स और बाकी स्टेट्स में माइनॉरिटी हो जाएगा, बट अगर हम वहाँ कई फैमिली में देखते हैं कोई एक रीजन होगा, एक गेटोइजेशन मैंने बताया था कि एक छोटा सा ग्रुप है जो पूरा का पूरा माइग्रेट हो जाता है, एक उन्हीं की बस्ती हो जाती है एक कम्युनिटी की, सो दैट इज़ इट। उसके बाद जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है उसमें स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है। ये डायग्राम मैंने एक छोटी सी बनाई है तो आप इसको बेटर समझ सकते हैं। मेजर इश्यूज़ क्या होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सन ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप आएंगे तो मुंबई वगैरह सिटीज़ में बिहारी या यूपी या वेस्ट बंगाल यहाँ के जो माइग्रेंट लेबर आते हैं उनके साथ रिस्पेक्टेबल बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, इसलिए हमने बहुत से किस्से जो है न्यूज़ वगैरह में सुने हैं, ठीक है, जो है उसकी रियलिटी एंड पॉलिटिकल जो भी उसमें एंगल है वो तो अलग है, बट सन ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट के कारण लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को फेस करना पड़ता है। रीजनलिज्म सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, आप गुजरात में जाएंगे तो भी सेम इशू है, अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो भी सेम इशू मिलेगा, कोई भी डेवलप्ड स्टेट में जाएंगे आपको सेम इशू मिलेगा कि भैया आप यहाँ के नहीं हो आप बाहर के हो। उसके बाद पॉलिटिकल वायलेंस, जैसे मैंने बताया था कि ये होता है कि गुजरात फॉर गुजराती, अगर ऐसे हो गया कि मुंबई फॉर मराठी, सो दैट समथिंग बिकम्स अ वेरी यू नो ट्रबलसम प्रॉब्लम फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। उसके बाद वो जहाँ पे भी जाएंगे उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली फेस किया जाए फेस होगा, जैसे यूपी बिहार वालों के साथ होता है। फिर लैंग्वेज बैरियर फेस करते हैं क्योंकि पर्टिकुलरली कर्नाटका में ये चीज़ होती है, स्पीच कम्युनिटी में जो बैरियर होता है वो अलग होता है। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन बाय स्टेट एक्स, मतलब स्टेट जो है वो रिकॉग्निशन ही नहीं देता, क्योंकि अगर स्टेट रिकॉग्निशन देगा माइनॉरिटीज़ को तो फिर स्टेट को एक्शन लेनी पड़ेगी आर्टिकल 46 के अंडर, जो कि स्टेट को करना नहीं है क्योंकि स्टेट के पास रिसोर्सेस नहीं है, तो उसके कारण जो है ये बेसिक रीजंस स्टेट जो है वो सिंपली दे देता है। उसके बाद माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, माइग्रेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट का एक लड़का था बेंगलोर में जब आया था उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर हुआ, सो दैट इज ऑल्सो सिग्निफाइज यू नो अलग अलग पर लिंग्विस्टिक इज वन ऑफ द रीजन। उसके बाद पॉलिटिकल अनरिजॉल्व पॉलिटिकल इश्यूज, जैसे कि बेलगावी का जो इशू है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ये इशू अनरिजॉल्व्ड है, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। उसके बाद इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रेसिडेंस, अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जब माइग्रेट करती है किसी अदर स्टेट में तो स्टेट इज़ ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रेंट, क्योंकि हेल्थ केयर उतना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी ही है, एजुकेशन भी उतनी है, बट अगर मोस्ट लोग वहाँ आएंगे तो दीज पीपल एंड फिर नेटिव में टसल होती है, और स्टेट जो होता है स्टेट के पास रिसोर्सेस होती नहीं है ना मैनेज करने के लिए ना कुछ करने के लिए, बस थोड़ा बहुत अपने पॉकेट वॉकेट भरने के लिए उनके पास तो होता ही है, बट अगर कोई बात आती है कि कुछ डेवलपमेंटल इशू की जाए तो वहाँ पे स्टेट अपने हाथ खड़ा कर देता है, क्योंकि दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ रियलिटी। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेटर, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं होते हैं ऑन डिमांड तो मुश्किल हो जाता है। फिर वायलेंस होता है लोकल्स के द्वारा, फिर एथनिक टेंशन हो जाती है जैसे मणिपुर में हो रही है, जो म्यांमार से रोहिंग्या वगैरह भाग के आ रहे हैं, तो दैट इज़ इट। फिर दिस इज़ द मेजर इश्यूज़ जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी फेस करते हैं। अगर हम पॉलिटिकल स्टेटस देखते हैं, ठीक है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, तो स्टेट माइनॉरिटी कमीशन जो है सिवरल स्टेट में इस्टेब्लिश है, और माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट वक्फ बोर्ड एक्सेट्रा, ये चीज़ें स्टेट को ऑलरेडी जो है हेल्प कर रही है। बट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कुछ स्कीम्स चलाई है जो कि बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है एज पर एज इंडिया इज कंसर्न, तो
सबसे पहले है नई रोशनी। नई रोशनी विमेन के लिए, विमेन को पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और लीडरशिप जो है वो डेवलपमेंट देते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप्स होती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, और ट्यूशन फी जो है माफ़ हो जाती है, हॉस्टल्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेन में जो है पढ़ाई वगैरह, फेलोशिप एक्सेट्रा ये आ जाती है। उसके बाद सीखो एंड कमाओ, ये ट्रेडिशनल जो वर्कर्स होते हैं फैमिली में चलता है उनका, ट्रेडिशनल वर्कर को स्किल प्रोवाइड, उनकी स्किल जो कंजर्व है वो करने के लिए होता है। 12th 5-year plan में बेसिकली इसको ये किया था। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना चाहता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, दिस इज़ द रीज़न। उसके बाद जियो पारसी, ये पारसी कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक 100% फंडेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो वो बढ़ाने के लिए उनको फ्री मेडिकल कवर दिया जाएगा, और ये सिर्फ पारसी कम्युनिटी को है। और यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन की जाएगी। उसके बाद पढ़ो परदेश, ये स्कीम है, अगर कोई भी फैमिली है मान लीजिए माइनॉरिटीज़ की जिसका इनकम 6 लाख रुपीस से नीचे है, तो उसको इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी पढ़ो परदेश स्कीम में, दिस इज़ फॉर माइनॉरिटी। सो मैंने 5 स्कीम यहाँ पे मेंशन की, आप कोई भी एक या दो लिख दीजिए तो हो जाएगा। इश्यूज़ क्या क्या है लिंग्विस्टिक या माइनॉरिटीज़ इन जनरल के साथ, तो सबसे पहला इशू है पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल इशू में आप जानते हैं कि इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट है, मतलब अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई नहीं है कि आपको 50% या 51% आपको वोट लेना है, ऐसा कोई किस्सा नहीं है। अगर मान लीजिए 4 है, ठीक है, ए बी सी डी, अगर मान लीजिए ये मोदी जी है, ये राहुल गांधी है, ये केजरीवाल है, और ये मान लीजिए ममता बनर्जी है, तो मोदी जी को मान लीजिए कि 30% वोट मिल गया, राहुल गांधी को 20% मिल गया, केजरीवाल जी को 20 मिल गया, और ममता बनर्जी को 29 मिल गया। तो अगर ये सिचुएशन है तो इसमें से जो प्रधानमंत्री बनेगा वो नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री फिलहाल की, ये री इलेक्ट हो गए 2024 में। तो ये चीज़ होती है एक सिंपल, ठीक है, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में। अगर मान लीजिए कि जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मोदी जी जो है वो हिंदू, पूरी हिंदू कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, मान लीजिए कि ममता बनर्जी जो है अभी ये थोड़ा रिलीजियस हो जाएगा, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस, पर अगर मान लीजिए कोई भी एक है कि सारे एक एक कम्युनिटी को इन्होंने पकड़ लिया, तो मुस्लिम्स बेसिकली पकड़ लीजिए 13% है, हिंदूज 79% है, ठीक है, इन्होंने पकड़ लिया है, मान लीजिए कि बुद्धिस्ट पकड़ लिया तो ये 0.82% है, और ममता बनर्जी ने मान लीजिए पारसी इस कम्युनिटी को पकड़ लिया तो 0.0062% है। तो अभी हम समझते हैं कि इलेक्शंस का रिजल्ट कैसे होगा, तो मोदी जी को 79% मिल जाएंगे, ठीक है, एक हार्ड सिंपल सिंपल देखते हैं, केजरीवाल जी को, अपना राहुल गांधी को 13%, केजरीवाल जी को 0.82%, और इनको तो हो गया। सो ये होता है, तो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका डिसएडवांटेज माइनॉरिटीज़ को होता है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन होता है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन इसलिए क्योंकि फिर अगर वोट बैंक्स नहीं है तो आपका क्या काम है ना, सिंपल है कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो दिस इज़ द पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन तो बेसिकली माइनॉरिटीज़ को मिलता है, बट उनमें कोई फिर कोई इसे सिग्निफिकेंटली पुश नहीं देते कोई भी कम्युनिटी, एक बार दे दिया, नहीं दिया नहीं दिया, तो क्योंकि क्या है उनका वॉइस नहीं है, सो इफ देर इज़ नो वॉइस सो देर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद मार्जिनलाइजेशन, उसके बाद गेटोइजेशन मैंने आपको बता दिया है कि एक कम्युनिटी में एक जगह पे जो है बहुत सारी, एक कम्युनिटी अगर एक सोसाइटी में एक कम्युनिटी एक जगह में अपने आप को ना सिकोड लेती है, सो गेटोइजेशन। फिर कम्युनल वोट होते हैं, ये भी चीज़ आप जानते हो माइनॉरिटीज़ में कि जैसे AIMIM ऐसे कोई पार्टी है, AIMIM, ठीक है, ये मुस्लिम वोट सीक करती है, ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग, ये होना तो नहीं चाहिए बट ऐसे होता है ना। उसके बाद वायलेंस, वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट बहुत वायलेंस होता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न के साथ मेनलैंड इंडिया में वायलेंस होता है, विच इज़ अ सैड थिंग, विच शुड नॉट हैपन बट होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होगा, है ना, वे फॉरवर्ड हमने प्रॉब्लम बता दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स भी बता दिए, हमने बता दिया कि मेजर्स में गैप्स क्या है, लूप होल्स क्या है, तो अब हम सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर आपको याद होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम SC दुबे,
एससी दुबे ने जो है बेसिकली सजेस्ट किया था ना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो हम इससे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होगा ना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इससे कम्युनिटीज साथ में आती है, एक दूसरे को समझ पाती है, और जहाँ पे मिसमैच जो हो जाती है ना, एक बीच में एक टसल हो जाती है, वो जो उलझ जाते हैं वो सुलझ भी सकते हैं ना. सो दैट इज़ समथिंग अबाउट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. उसके बाद फंड अलोकेशन जो है वो बढ़ा दिया जा सकता है बहुत सी कम्युनिटीज़ के लिए. हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया जा सकता है. एजुकेशन में टेक्नोलॉजिकल, वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट पे एक्सक्लूसिव फोकस किया जा सकता है. फिर एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन एंड अपॉर्चुनिटी. अगर मान लीजिए दिस इज एन सम यू नो रिजर्वेशन अगर आते तो दिस बिकम्स अ बिट कंटेंशियल, बट अपॉर्चुनिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट में जो है गैप दे सकते हैं, जैसे कि हरियाणा ने में कर दिया कि 70% ऑफ जॉब्स रिजर्व कर दिए हैं. ठीक है, बहुत से स्टेट है कि ग्रुप सी और डी के या फिर ग्रुप सी एंड डी के जो भी जॉब्स है वो रिजर्व कर दीजिए, डी के ग्रुप डी के जो है 100% जॉब्स है आप लोकल कम्युनिटी के लिए, और उसमें भी आप रिलीजियस और लिंग्विस्टिक के लिए कुछ यू नो 30% आप दे दीजिए. सो दिस बिकम्स सम सॉर्ट ऑफ थिंग. उसके बाद इम्यूनाइजेशन हेल्थ केयर में आ जाएगा कि वेमेन चिल्ड्रन वगैरह का आप इम्यूनाइजेशन करिए. फैमिली प्लानिंग बताइए, क्योंकि मुस्लिम्स में 3.9 का बर्थ रेट है. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग एन अलार्मिंग सिचुएशन, इसको एड्रेस करना है. फिर हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना में आप हाउसिंग जो है वो करा सकते हैं. वाटर सैनिटेशन अवेयरनेस कर सकते हैं डेवलपमेंट स्कीम पे, वाटर सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस जनरेशन. आप फाइनेंस के लिए नेशनल फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसे इंस्टीट्यूशन को सेट कर सकते हैं. आप ऑटोनॉमी दे सकते हैं नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को, फॉर माइनॉरिटीज़ को. आप असेसमेंट करिए डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है. फिर आप सब्सिडी देखिए एजुकेशन, हाउसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप लोन पे आप सब्सिडी दीजिए. रिजर्वेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ये ऑप्शन. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे शुरुआत में बताया था एससी दुबे जी का, आप ये मेंशन करिए. और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि स्क्रैप डाउन किए, उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है. आप इतने लिख दीजिए एग्जामिनर, आपको ये सवाल अगर आता है तो 10 मार्कर भी आएगा, तो एग्जामिनर कभी भी 7 से नीचे नहीं देगा. अगर आपने ये वे फॉरवर्ड आपने मेंशन कर दिए, वे फॉरवर्ड इश्यूज, ठीक है, और उसके बाद यू नो फैक्ट्स, ये 3 चीज़ें आप लिख दीजिए, कोई भी एग्जामिनर 7 से नीचे नहीं देगा. दिस इज़ समथिंग दैट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आई हैव रिटन दिया आंसर्स एंड आई हैव रियलाइज कि मैंने जितना लिया है उसके हिसाब से इतने मार्क्स तुम मिल सकते हैं और इतने मिले हैं. तो दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन टेल यू. आप एक लास्ट में एक डायग्राम बना सकते हैं कि इंडिया जो है इस चीज़ पे फोकस कर सकता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, विलेज डेवलपमेंट काउंसिल. फिर प्लानिंग जो होगी वो बॉटम बॉटम अप होगी, प्लानिंग होगी वो बॉटम अप होगी. ठीक है, उसके बाद फंड अलोकेशन होगा. सो बेसिकली हम ऊपर जाएंगे इंस्टेड ऑफ हम नीचे आएंगे. ठीक है, सो बॉटम अप अप्रोच करेंगे, टॉप टॉप टू बॉटम अप्रोच से. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 5.2 एंड आई विश यू गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.